ग्वालियर में लोग प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए सामने आए हैं। लोगों ने हाईवे से निकलने वाले मजदूरों को खाना वितरित किया और कैंप लगाकर प्रवासी मजदूरों को कपड़े चप्पल के साथ जरूरत का सामान दिया। लॉकडाउन के कारण ग्वालियर डबरा और ग्वालियर शिवपुरी हाईवे पर विभिन्न राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों का निकलना निरंतर जारी है। सोशल मीडिया में जिस तरह से मजदूरों की दुर्दशा की खबरें आ रही हैं, उससे शहर में समाज सेवा करने वाले युवाओं को हाईवे पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। युवाओं ने मालवा कॉलेज के सामने कैंप लगाकर प्रवासी मजदूरों, महिलाओं और बच्चों को भीषण गर्मी में चप्पल पहनाई और गरीब बेसहारा लोगों को भोजन वितरित किया। भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों ने मजदूरों के लिए पानी और मठे की भी व्यवस्था की। जो हमने हाईवे पे पहनाई हैं चप्पलें, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे और हम लोगों ने अभी तक 150 चप्पल पहना चुके हैं लोगों को, और हम लोगों ने देखा कि लोगों के पैर जल रहे हैं, बहुत समस्याएं हैं। आज हमने मठा भी ले गए थे उन लोगों के लिए ठंडे के लिए, और मठा भी दिया गया था उनको, और कल हमारा प्रयास है खाने के पैकेट भी पहनाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।